डर के तूफान से मैं साहिल का तलबगार नहीं, डर के तूफान से मैं साहिल का तलबगार नहीं, मेरे मकसद को बदलना मेरा किरदार नहीं। मैं मज़र अहमद ख़ान आपसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन की अपील करने आया हूं। बिदर में 7 मई को पोलिंग होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालकर कांग्रेस को सागर खंडरे को कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए और नौजवानों से और ख़ासकर मुस्लिम ख्वातीन से ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाने की सुबह की पहली अवलिन टाइमिंग में आप वोट डालकर कांग्रेस को कामयाब बनाने की, सागर खंडरे को कामयाब बनाने की, कांग्रेस को मजबूत बनाने की, राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिसमें कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, जिसमें एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया, मंथली 8,500 आपके अकाउंट में, और पढ़ा लिखा नौजवान जो बेरोज़गार है उसको भी 8,500 और सालाना 1 लाख रुपया, और किसानों का कर्ज सूद माफ़ करने की गारंटी स्कीम, जो नया स्कीम निकाला है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अगर सेंटर में हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्कीम लागू होगी। इसी बुनियाद पर मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, जैसे सिद्धरामैया ने आपके अकाउंट में 2,000 रुपया डाला, उसी तरीके से राहुल गांधी भी अगर वो लोसना सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आपके अकाउंट में 8,500 मंथली आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। इसका फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा किसी की भी लोसना परवाह किए बगैर आप घर से निकलकर सुबह की टाइमिंग में बेतहाशा वोट कीजिए और परसेंटेज बढ़ाइए। इतना कहते हुए सागर खंडरे को कामयाब बनाइए, कांग्रेस को कामयाब बनाइए, कांग्रेस गवर्नमेंट बनाइए, खुश रहिए और बोले सना कांग्रेस का साथ दीजिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। अब तो लेके